आपने कई बार मंदिरों या तीर्थ स्थलों पर होने वाले कई बड़े बड़े भंडारे देखे होंगे। इन भंडारों में काफी मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है। हलवे से लेकर खीर पूड़ी तक इन भंडारों में बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। इन दिनों भिंड के खनेता स्थित विजयराम धाम स्थित रघुनाथ मंदिर में 7 दिवसीय सनातन धर्म महासमागम चल रहा है, जहाँ जेसीबी और मिक्सर जैसी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किसी निर्माण कार्य के लिए नहीं बल्कि लाखों भक्तों के लिए प्रसाद तथा खाना बनाने के उपयोग में हो रहा है। यहाँ लोग लाखों की तादाद में पहुँच रहे हैं, जिसके लिए अब यह भव्य भंडारा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भिंड जिले के खनेता गांव में स्थित विजय राम धाम रघुनाथ मंदिर पर चल रहे सनातन धर्म महासम्मेलन कार्यक्रम में जहां एक ओर देश के चारों मठों के पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं और देश के कोने कोने से सनातन धर्म के प्रकांड विद्वान पहुँच कर सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों से धर्म प्रेमियों को परिचित करवा रहे हैं, तो वही दूसरी ओर प्रतिदिन 1 लाख से अधिक धर्म प्रेमी लोग पहुँच रहे हैं। उनके लिए भंडारा प्रसादी बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिनको देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। यहाँ सब्जी बनाने के लिए बड़े बड़े कढ़ाई मंगाए गए हैं, तो उन्हीं कढ़ाहों से सब्जी और खीर को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। खीर बनाने के लिए प्रतिदिन 7,000 लीटर दूध से भरा हुआ टैंकर पहुँच रहा है, तो वहीं मालपुए का गोल बनाने के लिए मिक्सर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंदने की एक बड़ी मशीन बुलाई गई है और सभी सामानों को भरने के लिए 50 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए गए हैं, जिनमें भरकर सामान रसोई घर से पंगत के सेक्टर तक पहुँचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए 100 बीघा से अधिक जमीन का उपयोग किया गया है, तो वहीं खाना बनाने के लिए 500 से अधिक हलवाई लगातार काम कर रहे हैं। 40 से अधिक भट्टियों पर पूड़ी, मालपुआ, खीर, बूंदी और सब्जी बनाई जा रही है। धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को भोजन खिलाने के लिए भोजनशाला में 7 सेक्टरों का निर्माण किया गया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष अलग अलग बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक सेक्टर में 2 सेक्टर से अधिक सेवक भोजन प्रसादी परोसने का लगातार कार्य कर रहे हैं।